नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। RPF परीक्षा समाप्त हो गया 4 फरवरी का, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम तक पहुँच पाया पहले पाली का, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। 100% सही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पे इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जा करके आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब भी कुछ ऐसा अपडेट आपके लिए लेकर के आएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। सबसे पहला आपका सवाल पूछा गया था, रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे, इससे रिलेटेड आपका सवाल था। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि से आपका ये रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर जल के प्रवाह की दर को हम वेंचुरीमीटर से मापते हैं। यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन देंगे दोस्तों, यही आपका सवाल आया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, जल का प्रवाह का दर किससे मापा जाता है, तो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। देखो यहाँ पे आप मुख्य एच बोल सकते हैं, इसको फोकस यहाँ पे बोल सकते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर इस तरह से है, यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है फोकस, तो ये आपका यहाँ पे दोस्तों फोकस का यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका ये जो किरने पड़ेगा फोकस पोल पे, तो यही सवाल आपसे पूछा गया था कि वह रेखा जो फोकस पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ते हुए कहलाती है, तो मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आपका पड़ा फोकस एफ, मैंने आपको बताया यहाँ से जो पार करेगा, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष, ओके। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लास 10th का ये सवाल है, लाइट आपने पढ़ा होगा, वहीं पर आपका वहीं से सवाल आपका ये पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका था, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार। आप यहां पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप यहां पे इजीली इसको क्लिक कर सकते थे, सोनार समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल पूछा गया था क्या, तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों कि आपका रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, ये आप सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया मतलब कि डायलिसिस को ही आप यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते थे, क्योंकि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस ही दोस्तों आपका जो है वो रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया है, ओके। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष की इकाई, से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई कितनी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए डायरेक्टली आपका आंसर क्या जाएगा, दूरी। मतलब कि प्रकाश वर्ष इकाई है, ये आपसे सवाल पूछा गया, मतलब कि यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका दूरी का यहाँ पे बोल सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। तो ये आप राइट आंसर क्लिक कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका सबसे अधिक होता है दोस्तों। आप कभी भी ऐसा कोई सवाल पूछ आपको यहाँ पे पूछा जाए, तो आप बैंगनी रंग क्लिक कीजिएगा, काफ़ी लोग रेड क्लिक कर देते हैं, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि अपवर्तनांक की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैंगनी कलर का होता है, राइट आंसर आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो नियामक, आप यहां पे राइट आंसर अपना क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, पार्सेक इकाई है, दूरी की इकाई को हम पार्सेक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पे आपका प्रकाश वर्ष भी था, यहां पे दूरी की इकाई को पार्सेक भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन आप यहाँ मत क्रिएट कीजिएगा, आपका दोनों आंसर वही होगा। उसके बाद हम यहाँ पर अगला सवाल आपसे जो पूछा गया था वो आपको बताने जा रहे हैं, रक्त का बिलियन है, मतलब कि ये आपसे रक्त के बिलियन से रिलेटेड सवाल था। तो रक्त का बिलियन जो होता है दोस्तों वो क्षारीय है, तो यहाँ पे आप राइट आंसर क्लिक कर सकते थे अपना, ओके। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, शरीर में हृदय और रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी कहलाती है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे सीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट और आयोडीन, ये आपका राइट आंसर होता है। और इसी से रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया था, मतलब कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट ये आपका धातु नहीं होता है दोस्तों, अधातु है। लेकिन यहाँ पे सवाल आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा अधातु है जो धातु की तरह चमकता है, चमकदार होता है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट आप अपना आंसर क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था,
पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आप राइट आंसर क्लिक कर सकते थे। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है क्या, वो होगा आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है कौन, तो पेसमेकर। इसको आप याद कर लीजिए, जो हृदय आपका जो धड़कता है उसको जो नियंत्रक कंट्रोल करता है, यहाँ पे बोल सकते हैं कंट्रोलर, हृदय का जो आपका हार्ट का जो कंट्रोलर धड़कन का कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, तो पेसमेकर उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेसमेकर आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, हृदय के धड़कन का कंट्रोलर को। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया था, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। देखो, एक ही प्रकार के अगर परमाणु से कोई पदार्थ किसी तरह से यहाँ पे कुछ बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो तत्व बोला जाता है, एलिमेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, संसद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संसद। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके बाद ही संसद का निर्माण होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकसभा इसमें, उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा होता है, उसके बाद होता है दोस्तों राष्ट्रपति। तो यहाँ पे अभी लोकसभा का इलेक्शन भी 2019 में है, तो पब्लिक ओपिनियन अगर जाना चाहते हैं तो ASR न्यूज़ फॉर यू यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको इसका जानकारी बहुत ही अच्छे से मिलेगा, क्या कुछ पब्लिक का मिजाज है 2019 के इलेक्शन को लेकर के। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तो संसद के कितने सदन है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो संसद के कितने सदन हैं, तो दो सदन यहाँ पे संसद का है, मतलब कि संसद कितने सदन, और यहाँ पे आपका ऑप्शन था ए में 1, 2, 4, इनमें से कोई नहीं, दो, इस तरह से ऑप्शन था, तो यहाँ पे आपको 2 पे क्लिक करना था दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पे लोकसभा आप राइट आंसर क्लिक कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, संसद का अस्थाई संसद कौन सा है, तो राज्यसभा, मतलब कि परमानेंट नहीं, मतलब जब टेम्प्रोरी यहाँ पे बात करें जो संसद का होता है वो क्या होगा, राज्यसभा होगा। ठीक है, मतलब टेम्प्रोरी। ठीक है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है, तो राष्ट्रपति, भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो सवाल पूछा गया उसको बताया मैंने, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आपसे पूछा गया था और कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका आने वाला एग्जाम क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, तो तीसरा अंग राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका, यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा, और इससे रिलेटेड सवाल आपके लिए यहाँ पे दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं, तो न्याय समीक्षा इसका राइट आंसर है। इसका प्रश्न क्या है, तो भारतीय संसद की संप्रभुता किसे संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक, आप यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संघीय सरकार, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप याद कर लीजिए, आपका किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, तो यहाँ पे आपका गांधी सागर बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, 1981 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम प्राय मैदानों का निर्माण नदी किस अवस्था से होता है, तो वृद्ध अवस्था के कारण ही यहाँ पे आपका जो मैदान है होता है उसका निर्माण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि नदी जो आपका हो वृद्ध, मतलब कि काफ़ी पुराना हो जाता है, उसके बाद सम प्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में, तो वृद्ध अवस्था, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि कहाँ का ऊँट भारत में प्रसिद्ध है, मतलब कि कहाँ का ऊँट भारत में प्रसिद्ध है, तो नाचना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, मीठे पानी
की कलस्पर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। आप यहाँ पे इसको राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, मीठे पानी की कलस्पर परियोजना अवस्थित है तो गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे जो पूछा गया था दोस्तों, वो आपका मैथ के रिगार्डिंग था और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिल पाया हम तक, लेकिन यहाँ पे पैटर्न जो भी स्टूडेंटों से बात हुआ यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं आपको। तो आपका जो परसेंटेज का जो सवाल है उसका वेटेज दोस्तों 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है। आपका प्रॉफिट लॉस से दोस्तों यहाँ पे आपका 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहा है। और यहीं अगर हम बात करें दोस्तों टाइम एंड वर्क और यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम की, तो इससे ज़्यादा सवाल नहीं, 2 सवाल आपका हर एक परीक्षा में देखने को मिल रहा है। आप भी आज भी यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों। बात करते हैं पेपर के पैटर्न को, तो पेपर का जो पैटर्न था वो आपका दोस्तों आज का यहाँ पे पैटर्न मतलब कि मॉडरेट था। आप इसको ईजी नहीं बोल सकते हैं, आपका यहाँ पे पेपर अगर पढ़ाई किया होगा आपने तो बहुत ही अच्छा गया होगा, और अगर आप सिर्फ सिंपली ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे तब यहाँ पे आपका पेपर दोस्तों हार्ड गया होगा। बाकी बात यहाँ पेपर जो था आपका मॉडरेट था, जिन स्टूडेंटों ने अच्छे से स्कोर किया होगा उन्होंने ज़रूर पढ़ाई किया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।